ओके नेक्स्ट चैप्टर इज प्रॉपर्टी ऑफ लैंड सेकंड वर्ड दूसरे मात्र चैप्टर इज हर महल प्रॉपर्टी सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आज का पहला पॉइंट क्या है आपका हीट क्या होता है जैसे हमें गर्मी का एहसास होता है इतना दूर होती है तो हीट क्या है इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ हीट क्या है हीट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें गर्मी का एहसास कराती है इसे एहसास कराती है उसे हम क्या कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल हीट की एसआई यूनिट क्या होती है जूल बट इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है या सीजीएस यूनिट होती है वो कैलोरी दो बातें सबसे पहली बात व्हाट डू यू मीन बाय हीट सेकंड हम लोगों ने सीखा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है कैलोरी और इसी सीजीएस यूनिट को हम प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं ठीक है अब बात आती है चलिए ठीक है कैलोरी क्या होती है व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरी एक बार एग्जाम में आ जाता है कैलोरी को डिफाइन करिए कैलोरी क्या है कैलोरी का अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 45.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात अगर हम कोई पानी लेते हैं गर्म लेते हैं इसकी वाटर ले लीजिए वाटर को आप हीट करिए वाटर का नॉर्मल टेंपरेचर कितना हो 40.5 कितना होता है 15.5 से आप उसको 1 डिग्री रेज करिए 15.5 जो आपने एनर्जी दी रेज करने में हम जितनी एनर्जी को क्या करते हैं खर्च करते हैं स्पेंड करते हैं दैट इज सेड टू बी वन एनर्जी आ गया कभी भी हम हीट की बात करते हैं कम टेम्परेचर के क्रम में बात किसके क्रम में बात करते हैं टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है ये तो कहते हैं टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर किसे रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर हीट को ही रिप्रेजेंट करता है आज टेम्परेचर गिर गया मतलब हीट बहुत
हाँ टेम्परेचर बहुत रेज हो गया है बहुत तो टेम्परेचर है क्या हीट टेम्परेचर सेंसर एक प्रकार की डिग्री की हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस हम इस बात करें टेम्परेचर की वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी सेंटली टेम्परेचर तो बोलते कर सकते हो इनका टेम्परेचर क्या होता है इसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस रिप्रेजेंट करता है कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कोई भी वस्तु कितना ठंडी है इस बात को रिप्रेजेंट करता है ये होगा टेम्परेचर और अगर हम बात करते हैं हीट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे हमें गर्मी का कितना एहसास हो रहा है कितना एहसास हो रहा है उस बात को रिप्रेजेंट करता है अब हम टेम्परेचर क्या ले रहे हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है थर्मोमीटर इस टेम्परेचर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नेम थर्मोमीटर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर थर्मोमीटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं द फर्स्ट काइंड इज डिग्री सेल्सियस दैट इज गिवन बाय इन 1710 पर आप लोग 10 में उन्होंने सेल्सियस टेंपरेचर के बारे में बताया आफ्टर दिस डिग्री फारेनहाइट दैट गिवन बाय फारेनहाइट 1770 1770 इन्होंने टेंपरेचर का याद दिया डिग्री फारेनहाइट आफ्टर दैट द स्टैंडर्ड टेंपरेचर व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड दैट इज योर केल्विन ऑलवेज भी मेमोराइज जब सेल्सियस को रिप्रेजेंट करते हैं तो डिग्री लगाया जाता है ऊपर फारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तो डिग्री लगाते हैं बट जब केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री भी होता है तो डायरेक्ट केल्विन चलता है वो साइन चेंज कर लेता है समझ आगे ना नॉर्मल हम बात करते हैं आपने देखा भी होगा तो डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं आप डॉक्टर के पास चले जाओ डॉक्टर जब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है सेल्सियस नहीं होता फारेनहाइट में आता है जैसे आप बातें 98.4 स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर फारेनहाइट में ठीक है अगर आप 97 है 94 है आपका जो टेम्परेचर मीटर होता है तो आपको सही माना जाता है यार जी इसके बाद एक और होता है तो आ ही गया लिख दिया केल्विन इसके बाद और भी टेम्परेचर है एक होता है र्यूमर डिग्री र्यूमर अगला होता है रैंकाइन लेकिन हमारे सिलेबस में अगर हम सिलेबस की बात करें तो तीन आते हैं और वो थे सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन की बात करेंगे जबकि मैंने जो बुक आपको प्रोवाइड करी है लेकिन हम सिर्फ तीन ही पढ़ेंगे ओनली थ्री बहुत तीन ही है हमको तो आइए आगे चलते हैं इन टेम्परेचर की स्केल के बारे में सुनते हैं The thermometer are working in between two points, that is LFP, lower fixed point, and UFP, upper fixed point. कोई भी बेटा जो टेम्परेचर होता है, वो दो पॉइंटों के बीच में वर्क आउट करता है. एक हम लोग कहते हैं LFP, lower fixed point, and UFP, upper fixed point. हम जिंदा भी रहते हैं वो भी हमारा एक अपर पॉइंट होता है और लोअर पॉइंट होता है जिस दिन पैदा होते हैं वही हमारा लोअर पॉइंट होता है और जिस दिन हमारी मतलब हर चीज संसार में दो पॉइंट के बीच में कोई भी चीज नहीं एक लोअर होगा और अपर पॉइंट पहुंचे अपर भी हो जाता है हर चीज ये फैन है ना इसका भी बल इसका भी चौक इसका भी डस्टर इसका भी जो आपने सीधी सी बात हर चीज की एक लाइफ है हर चीज की एक लाइफ है इवन इस ब्रह्मांड की भी लाइफ है ईश्वर की भी लाइफ है ईश्वर की भी लाइफ है ऐसा नहीं कि ईश्वर हमेशा है
ईश्वर के लिए एक लाइफ है, उसके बाद से सारी चीजें चेंज होती है। हमने बड़ा बड़ा आशीर्वाद लिया, तो क्या ईश्वर की भी लाइफ है, ब्रह्मा जी की भी लाइफ है, इतने दिन उनको जीना है निश्चित है, फिक्स है, उसके बाद दूसरे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी, बड़ा आश्चर्य कर से। इसीलिए ये जो गॉड वर्ड है ना, बड़ा पावरफुल वर्ड है, गॉड गॉड। देखो गॉड क्या है, इन ही तो विष्णु के कैरेक्टर है, जी ओ और जी स्टैंड फॉर एब्रिविएशन ऑफ साउंड इज जी स्टैंड फॉर जनरेटर, जनरेटर पैदा करने वाला, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर पालने वाला, एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर ए डिस्ट्रैक्टर समाप्त करने वाला। ये वही हो गया ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश जनरेटर कौन है, हु इज द जनरेटर, हु इज द ऑपरेटर, यमराज एक पार्ट है, जैसे हमारा हाथ है, आप कितने लिया है, जिसको चार दे रही थी, आप कितने लिया है, ये सब के नाम अलग अलग है, ये मूल्या ही पांचों मूल्यों के नाम, इसे थंब कहते हैं, इसे फोर फिंगर कहते हैं, इसे रिंग और छोटी हो गया, आनंद आ गया। आपको क्यों हंसाया है, क्योंकि आपको ये हमेशा याद हो जाए, अब एक क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, एक नंबर इसलिए मैंने सोचा कि यार फिर से कर दिया जाए, फिर इसे पढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बोला इसका एक एलएलपी होता है, ज्योग्राफी पॉइंट, बेसिकली दैट इज सेंट्रल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस से जितने डिग्री पर आइस का होता है मेल्ट हो जाएगा, जैसे जीरो डिग्री पर फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीजिंग मिलते हैं, जैसे पानी का केस लिए, सबसे आसान केस किसका है, पानी कितने डिग्री पर फ्रीज होता है, जैसे जीरो पे पानी खुला होगा वो फ्रीज हो जाएगा, और वही पानी वही जल वही वाटर कितने डिग्री पर बॉयल करता है, वो उसका पीक वैल्यू हो जाता है, तो हमने पीक के लिए क्या ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या हम इसको भी ले सकते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितने डिग्री पर पानी और कितने डिग्री पर पानी उबलने लगेगा, दोनों का फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वाटर, आई होप ये तो आपको पता ही पता नहीं दिक्कत है, हाँ उबल रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है ना, बाकी तो नहीं समझता, ये भी बात, अब हम बात करेंगे 17th century 1710 में हमारे एक बहुत बेहतरीन थियोरिस्ट जिनका नाम था क्या सेल्सियस, उन्होंने एक थर्मोमीटर का इजाद किया, सेल्सियस द नेम ऑफ थी, और उन्होंने कहा कि यदि हम किसी भी पर्टिकुलर स्केल का जीरो डिग्री ले लें, क्या ले लें, जीरो डिग्री सेल्सियस एलएनपी ले लें और 100 डिग्री सेल्सियस यूएसएसपी ले लें, अब आप जल देखिए यहाँ पर मैंने कहा
अगर हम इससे बीच हंड्रेड डिग्री बनाते तो आप समझ रहे होंगे वन डिवीजन दैट विल इक्वल टू वन डिग्री सेल्सियस. इन्होंने एक ऐसा स्केल बताया इसका एलएमटी उन्होंने क्या रखा जीरो डिग्री सेल्सियस, यूएमटी कितना रखा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और बीच में जो भी स्पेस था उसको सौ कणों में तोड़ दिया डिवीजन. तो हंड्रेड डिवीजन क्या कर दिया ब्रेकअप कर दिया. इस प्रकार से वन डिवीजन विल बी इक्वल टू वन डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस स्केल आपके सामने रेडी हो गया. जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ कितने डिवीजन है हंड्रेड उन्होंने इसे सौ कणों में तोड़ दिया. फारेनहाइट आई आफ्टर सेवन ईयर. अब हम बात करेंगे 1717 की. वो आई मतलब मेरा वेट लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो एलएफपी होगा वो 32 होगा. कितने पर होगा? 32. और जो टॉप लेवल होगा कितने पर होगा? 212. और अगर 212 से 32 को माइनस करते हैं ये आता है 180 डिग्री. यानी इसकी एक्यूरेसी बढ़ा दी. एक्यूरेसी पहले कितना डिवीजन था? आप एक्यूरेसी उसके इंक्रीज कर दी ना. इधर आओ क्या 180 यार 180 डिवीजन में वन डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 डिग्री फारेनहाइट. वही वन डिवीजन कितना हो गया? 1 डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री फारेनहाइट. बात आती है जो नेक्स्ट हमारे फिजिसिस्ट आए उनका नाम था लॉर्ड केल्विन. दो प्रकार से मेजरमेंट करते हैं लोग. एसटीपी पे करते हैं और दूसरा एमटीपी पे करते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके बेटा आगे चलते हैं हम लोग. हमारा अगला जो पॉइंट आया वो लॉर्ड केल्विन आए और लॉर्ड केल्विन ने कुछ खास बात बताई. इन्होंने कहा हमारा जो लोअर स्केल होगा तो कितने पर होगा? 273.15 और अपर होगा 373.15 केल्विन. और इन्होंने 100 डिवीजन दिए. चीजें सारी वही है बेटा. देखो केवल मेथडोलॉजी थोड़ी सी चेंज है बाकी सारी चीजें वही है. आप जब देखिए यहाँ पर एल एफ पी कितना है? जीरो. यहाँ पर 273.15 लंबा कितने पर था? 200. क्या मतलब होंगे 273.15 वो भी चलेगा. अब इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमारे पास क्या हो गया? तीन टेम्परेचर स्केल हो गए जो कि मेजरमेंट करेंगे लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता. एग्जाम में ये आता कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इनटू ये आता. बताइए कितने डिग्री पर फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आपस में बराबर होंगे? ऐसे प्रश्न आते -40 होता है. कितना होता है? तो वो आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे. तो आज हम अब एक अच्छा सा एक फार्मूला बना लेते हैं जो कि दोनों को डिफरेंशिएशन को तय करेगा. ठीक है ना? बहुत सिंपल सा तरीका. आप फार्मूला बनाएंगे कैसे? आप वो तरीका सिखाते हैं. भाई हमारे पास कितने स्केल हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के? पहला स्केल लिख लेते हैं सी, दूसरा वाला एफ, तीसरा वाला ए. भाई यही तो है. कोई दिक्कत? नो. डिवाइड बाय
जैसे जीरो डिग्री सेल्सियस है, इसमें से यू एफ घटा दो, ये फार्मूले बना दो, टी माइनस एल एल एफ टी, एल एफ टी एफ माइनस एल एफ टी एल एफ टी ए माइनस एल एफ टी डिवाइडेड बाय यू एफ टी माइनस यू एफ टी माइनस एल एफ टी, ये फार्मूला होता है। इस समय चलेगा तो देखो नॉर्मल बना के हमारे पास पहला हो गया C माइनस जीरो अपॉन देखो ध्यान से देखिए हमने क्या किया C माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड कैसे आया कि हंड्रेड माइनस जीरो कितना है कितना है अगर आप यहाँ जाए एफ माइनस थर्टी अपॉन टू ट्वेल्व माइनस इसी प्रकार से अगर मुझे ठीक है सवाल आगे सी अपॉन हंड्रेड सेल्सियस अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन डायरेक्ट बना सेल्सियस अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू एफ माइनस थर्टी अपॉन एंड नेट आप बनेगा के माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ठीक है ना। अब जरा इनको प्लीज सुना दो सबको अब आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया C by 5 equal to F minus 32 upon 9 equal to K minus 273.15 divided by 5. This is your formula that is represent a relation between one to another. ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि एक दूसरे के बीच में संबंध बताता है। इसका इस्तेमाल करके आप इजीली सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फारेनहाइट में, फारेनहाइट कहीं पर किसी को कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि बताइए 273 डिग्री 273 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कितना होगा बता ले लेते हैं क्या पर एक एग्जांपल लेके आप समझा सकते हैं। मैंने क्या उसके बना दिए आइए लेते हैं एक मोमेंट तो अपने आप उठा लेते हैं। अरे वो टेम्परेचर उठाते हैं आपको याद है हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है और एक मिनट का प्रतिशत सही 90 ये तो फारेनहाइट में होता है सेल्सियस में कितना होता है बॉडी टेम्परेचर कंडीशन में होता है रूम टेम्परेचर कंडीशन में होता है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री पर और हम बात करते हैं क्लास में ही आवाज न करें ऑनलाइन जो लाइव बच्चे बैठे हैं माइक म्यूट कर लें ध्यान दीजिएगा रूम टेम्परेचर कितना बॉडी टेम्परेचर कितना और उसमें इसमें 98.4 तो इसे में देख लेते जो हमें पता है या हम उनको खा लेते तरीका 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके देखें कितना आता कितना आएगा सोचो कितना आएगा अभी भी सेल्सियस अपन कितना था 100 था ना और ये कितना था 32 212 अलग पाई खाते हमने कहा C by 5 equal to F by 32 हमने करना क्या है वी हैव टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री फारेनहाइट इसको समझ लिया आपने चलिए वही जरा देखते क्या आता है और अब जरा देखो तरीका भाई हमें ये सेंसिस दिया गया कितना दिया गया है 100 पर f माइनस 32 पर 9 और हमें पता आंसर कितना आएगा अभी मैंने आपको आंसर बता ही दिया कितना आएगा 212 वैल्यू कितना बन सके कैलकुलेशन कितना आएगा 212 ओके आइए जरा देखते हैं और 5f
Oh, yes, F minus. I अब यहाँ पर चाहे इसी को यही सॉल्व कर तो थोड़ा सा कम हो जाएगा या मल्टीप्लाई कर तो सॉल्व भी कर लेते हैं. इसको इसे उड़ाओ कितना 20 अपॉन 1 एक 20 अपॉन 1 हो गया ना. अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो गया F माइनस 20 इंटू 9 0 0 9 8 9 39 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
अब इसमें से देखो देखो आर एल इक्वल टू 180 समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी टेम्परेचर पर विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप उसे बदल सकते हैं। समझ में आ गई आसान है। एक नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारा निश्चित रूप से आना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ऐसे साथ में पीछे में काट दो मेरे को दिए होते हैं। एक्स पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, आज के लेक्चर का अंतिम पॉइंट है और इसको पूरा करेंगे। थोड़ा बड़ा सा है और दो पॉइंट आपको पढ़ने। अगला हमारा आता है थर्मल एक्सचेंज। आपके क्लास से आवाज नहीं आनी चाहिए जैसे कि मैंने पहले कहा। थर्मल एक्सचेंज थर्मल का मतलब होता है हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप इसे ऊष्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या ऊष्मीय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय। और एक्सपेंसिव का मतलब होता है फैलाव, और फैलाव की हिंदी होती है प्रसार। ऊष्मीय प्रसार हमें एक्सपेंशन लिस्ट समझ में आ गया आपके। और इधर देखते हैं एक्सपेंशन होता क्या है। एक होगी expended on giving some thermal radiation। अगर हम किसी भी वस्तु को जो सॉलिड स्टेट में है अगर उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, खुलती है, फैलती है। समझ में आ गया? क्यों खुलती है, क्यों फैलती है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट एंड द रीजन इज यू कैन सी इन केस ऑफ सॉलिड। जैसे सॉलिड करके चले बेटा ये लोग मेरा नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10 रे पावर माइनस 10 मीटर। अगर आप टेम्परेचर देते हीट मिल गया ना, हीट मिलते ही ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इंक्रीज कर जाए तब क्या होगा, हाँ बेटे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होगी, बोलिए बोलिए इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ गई तो सॉलिड की लेंथ बात है, यानी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के इंक्रीज करने से कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है। अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो एक्सपेंशन आखिरी टाइप एक्सपेंशन कितने प्रकार होते हैं बेटे, थ्री टाइप्स। टाइप की बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, तो वो एक पर्टिकुलर ये सॉलिड था हमारे पास जिसकी ओरिजिनल लेंथ इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल एल नॉट that is said to be not L not the initial length. I am giving you the point and support the temperature now T1. Temperature कितना था? T1. जो भी सब thermal agitation, हमने thermal agitation दिया and now the temperature is T2.
टेंपरेचर कितना हो गया T2। जाहिर सी बात है इसकी लेंथ में थोड़ा चेंज आ गया, हमने माना अब इसकी लेंथ कितनी हो गई L। नाउ L इज द फाइनल लेंथ, L इज द आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन। तो आपने देखा ये जो दूरी है बेटी इसे क्या बोलेंगे L माइनस L1, L माइनस L1, दैट इज सेड टू बी डेल्टा L, डेल्टा L, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। इन सिंगल पैटर्न आपने टेंपरेचर भी रेज किया T1 से लेकर T2 तक, तो चेंज इन टेंपरेचर डेल्टा T इक्वल टू T1 माइनस टेंपरेचर में कितना चेंज आया उसकी लाइन चेंज कर गई। सेम कॉन्सेप्ट आपका एरिया में जाता है, अगर आप देंगे बॉडी का मामला बढ़ जाएगा जिसमें लेंथ भी होता है और समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये जो चेंज होता है वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी जा सकता है, इसके फॉर्म में जा सकता है जिसमें लेंथ भी होता है, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। से पॉसिबल है लेंथ के फॉर्म में, एरिया को हम सुपरफिशियल, एरिया को हम सुपरफिशियल भी कहते हैं, एरियल और सुपरफिशियल। पहला कौन सा है लेंथ के टर्म में एक्सप्रेशन, एरिया के टर्म में एक्सप्रेशन, दूसरा मैं आपको केवल एक समझाऊंगा दो आपको फॉर्मूला सेम एस इज सब कुछ, बस अंतर इतना है जहां पर एल नॉट है यहां पर हो जाएगा एस नॉट, यहां पर हो जाएगा वी नॉट, जहां पर आपका एल है यहाँ पर एस हो जाएगा, टेम्परेचर तो जो है तो टेम्परेचर डी होगा। जो एक्सटेंशन होते हैं अगर हम लीनियरली बात करते हैं तो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सटेंशन, लीनियर कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सटेंशन वो अल्फा होता है, इसके लिए बीटा होता है और इसके लिए गामा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बाकी सारा फॉर्मूला सेम चलेगा। शुरू कर दीजिए, एक डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, उसी पर डिस्कशन कर लेते बना हुआ गामा जी ए एम एल ए गामा, उसे लिखा जाता है जी ए लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से करते हैं, स्वनेम होता है ना हिंदी में जैसे डॉक्टर प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल लेंथ। अगर जो चेंज इन लेंथ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ ये थी इसे वेल नॉट से डिपेंड करते थे, चेंज इन लेंथ क्या है डेल्टा है। अगर यही बात हम वॉल्यूम के केस में करेंगे देन डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एरिया के टर्म में कर दीजिए डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस नॉट, एस नॉट एरिया के टर्म में बोला है, एरिया को सुपरफिशियल और सुपरफिशियल का रिप्रेजेंटेशन एस है। दूसरी अगर हम बात करते हैं आल्सो यू नो प्रैक्टिकली फाउंड दैट चेंज इन लेंथ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेंपरेचर, डेल्टा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेंपरेचर। आप कॉमन सेंस यूज करिए, अगर आप टेंपरेचर के मान को और बढ़ा देंगे तो लंबाई नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और बढ़ा दीजिए। अगर आपका ये लंबाई बहुत ज्यादा है तो उसका जो लेंथ में टेम्परेचर देने पर इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ज्यादा हो, इसीलिए मैंने ये दोनों बातें लिखी। और अगर हम दोनों बातों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन दीज टू फैक्ट्स, ठीक है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट डेल्टा सी, इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन गेट और डेल्टा एल इक्वल टू alpha, no, this is alpha, not proportional sign, L naught delta
delta L equal to alpha L naught delta T, here L naught is called coefficient of linear expansion. Here L naught is called coefficient of linear expansion. अगर आप superficial का केस लेके चलेंगे, then coefficient of superficial expansion. उस समय अल्फा नहीं बीटा होगा. अगर आप वॉल्यूम का केस लेके चलते हैं, then gamma. वॉल्यूम क्या है? गामा ऐसे टू बी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम. समझ में आ गया? अब इसको हम थोड़ा और फॉर्मुलेट करते हैं और एक नया रिजल्ट निकाल के आपके सामने लाते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. दूसरा फॉर्मूला लीजिए इसका फटाफट. आइए जरा कुछ और गौर करें. डेल्टा एल का मान तो हमने कुछ निकाला था, क्या था अभी? डेल्टा एल डेल्टा टी निकाला नहीं निकाला है? एक तो फॉर्मूला ये बन गया. अगर एम की वैल्यू फिर अंदर तक देख लेते क्या बनता है. ये हो गया एम माइनस एल नॉट इक्वल टू अल्फा एल नॉट टी टू माइनस टी वन या टी वन माइनस टी टू. वो आपके जूम पर चलेगा. टी वन माइनस टी वन करते टी वन माइनस वही लेते जो ऊपर लिया टी वन माइनस टी टू चलेगा. ओके हमने इसको यहाँ भेज दिया. इसको भाई बदल में लिया क्या होगा? एल इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट. अरे छोटा सी लिख लेते हैं डेल्टा टी बता रहे हैं तो क्या मान चलो टी वन माइनस टू क्या कर दिया डेल्टा टी कोई कष्ट है क्या? ओके एल इक्वल टू एल नॉट एल नॉट वन प्लस ये आपका दूसरा फॉर्मूला. समझ में आ रहा है ना बेटा? इसी प्रकार से अगर आप सुपरफिशियल का करेंगे तो क्या बनेगा? जरा गौर करिएगा. एस इक्वल टू एस नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा क्या? अगर यहाँ बनाएंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू बीटा एस नॉट. अगर आप वॉल्यूम भी लिखना चाहें सेम कंसेप्ट डेल्टा जी इक्वल गामा. यहाँ पर जी इक्वल डेटा. दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑफ द डे. आज हमने तीन पॉइंट सीखे हैं और दो पॉइंट आपको स्वयं करने हैं. अब एक पॉइंट इसमें और आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन. तो आप जान लीजिए अल्फा इक्वल टू कितना होता है? टू बीटा. बीटा इक्वल टू टू अल्फा. बीटा इक्वल टू टू अल्फा. गामा इक्वल टू थ्री अल्फा. भाई अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा पे एक एक्सिस होती है. अगर हम बीटा की बात करते हैं तो दो एक्सिस. अगर हम गामा की बात करते हैं उसमें तीन एक्सिस होती है. क्योंकि आप बीटा की बात करेंगे तो बीटा लेंथ इनटू ब्रेथ होगा दो गुना. अगर आप गामा की बात करते हैं तो तीन गुना लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर हम इन तीनों के बीच के रिलेशन निकालें तो रिलेशन इसमें सबसे छोटी पॉइंट कौन सी है? अल्फा. जो कि अल्फा ही है तो क्या बन जाएगा? सिक्स अल्फा इक्वल टू थ्री टू या सिक्स हो गया ना. सिक्स अल्फा इक्वल टू बीटा तो बनेगा भाई बीटा. अगर हम इक्वलिटी रखते हैं क्या बनेगा? अल्फा इक्वल टू बीटा बाई टू इक्वल टू गामा बाई थ्री. अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा बाई टू. हो गया नहीं हो गया? या अगर आप आपको ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो. थ्री टू जा सिक्स अल्फा
Six alpha. Beta. Twenty, they have a. Beta. Beta. Gamma. ये मेरे रिलेशन है, सारे एक है, तुम्हें नहीं समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग कोशिश करेंगे ये शायद चैप्टर खत्म हो जाए, तो बहुत तेजी के साथ पढ़ाई होगी।